आपसे बात कर। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, जवान इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर मूवी बन चुकी है। कल इसने अपने पहले दिन में ही ढेर सारे रिकॉर्ड को तोड़कर अपने नाम कर चुका है। फर्स्ट डे ही बॉलीवुड की कोई मूवी इतनी बड़ी ओपनिंग लेते नहीं दिखी थी आज तक। हाँ, जब 2023 की शुरुआत हुई थी तब पठान ने यह मंजर जरूर दिखाया था, लेकिन बाय गॉड पठान को तो कहीं गुना पीछे छोड़ दिया इस मूवी ने अपने पहले ही दिन। पठान का डे वन का कलेक्शन इंडिया से 57 करोड़ के आसपास था, जबकि इस कलेक्शन को जवान ने 6 बजे तक ही क्रॉस कर लिया था, बीट डाउन कर दिया था हिंदी, तमिल, तेलुगु और आईमैक्स से कलेक्शन को मिलाकर। लगभग 6 बजे तक 63 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम कर चुकी थी ये फिल्म। तो अभी बात करेंगे कल फुल डे कैसी कमाई रही, इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस कैसा रहा, हिंदी से कितनी कमाई करी अपने पहले दिन में, तमिल और तेलुगु से इस बार क्या सॉलिड रिस्पॉन्स देखने को मिला है पहले दिन में, ओवरसीज से कितनी कमाई करी, और कल पूरा दिन का फर्स्ट डे का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कैसा रहा, और आज सेकेंड डे पर क्या धमाल कर रही है मूवी, आज कितना कमा सकती है, तो सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप भी जवान से रिलेटेड सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं और शाहरुख खान के बिग डाई हार्ट फैन हैं तब, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कॉन्टेंट इज सुपर अमेजिंग मास मसाला फिल्मों में अक्सर स्टोरी लाइन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन जवान में स्टोरी इज द मेन पार्ट। शायद अगर ऐसी स्टोरी लाइन ना होती तो जवान को यह रेस्पॉन्स देखने को ना मिलता। सोशियो पॉलिटिकल मुद्दों पर बात उठाई गई है, करप्शन पर बात उठाई गई है, एक किसान कैसे सफर करता है इंडिया में, इस हार्श रियलिटी को बहुत ही सूझबूझ से बारीकी से फील करा के दिखाया गया है। कैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को हजारों करोड़ों का लोन माफ कर दिया जाता है, लेकिन एक किसान को छोटे मोटे लोन्स में उलझा के लाइक ट्रैक्टर्स की EMI पर नोच लिया जाता है। सो दिस इज द अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस मूवी। फुल मसालेदार कॉन्टेंट एंटरटेनमेंट के साथ इतने बड़े बड़े मुद्दों पर बात करी गई है, और वो भी कोई हवा हवाई बातें नहीं है, जो हम सब अपने आसपास देख रहे हैं, अपनी नंगी आंखों से देख रहे हैं, उसे हमारे सामने एक सॉलिड ड्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट किया है अटली ने। बाय गॉड मैं फिर कह रहा हूं, अगर अटली ना होता तो शायद जवान ऐसी ना बन पाती, क्योंकि मास मसाला एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी को हम काफी लंबे समय से देखते आ रहे हैं, पर जवान जैसी मास मसाला मूवी ही नहीं देखी हमने आज तक। जी हां दोस्तों, SRK के मल्टीपल रोल्स देखने को मिलेंगे, और हर रोल पर जितना फिट बैठना था अमेजिंग। इस चीज का जो ध्यान में रखते हुए SRK ने जो कैरेक्टर रोल प्ले करे हैं, जबरदस्त सारे करेक्टर्स पकड़े हैं। इसी के साथ सपोर्टिंग कास्ट इज अमेजिंग, नयनतारा और दीपिका ने भी जो कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है SRK का, सुपर अमेजिंग। उसके बाद प्रियमणि और सानिया मल्होत्रा ने भी जबरदस्त किरदार निभाया है, और विलेन मैं फिर कह रहा हूं कि विलेन इज सुपर अमेजिंग। विजय सेतुपति उर्फ काली, व्हाट अ कैरेक्टर डिजाइनिंग बाय अटली, और उसके बाद उस कैरेक्टर में इतनी जान भर देना, ही इज विजय सेतुपति, फैबुलस वर्क डन बाय हिम। और डायरेक्शन बाय अटली कुमारी, सुपर फैंटास्टिक, बहुत जबरदस्त काम किया है। हाँ, साउथ के डायरेक्टर हैं तो साउथ का तड़का तो देखने को मिलेगा, और वही मजेदार भी लगा। मूवी को HPAN इंडिया रिलीज करा गया है, और मूवी ने पहले ही दिन में धमाका काट दिया है बाय गॉड। जी दोस्तों, SRK के मेन लीड में और अटली कुमार के डायरेक्शन में लगभग 300 करोड़ के टोटल खर्चे पर बनने वाली फिल्म जवान को हिंदी, तमिल, तेलुगु को मिलाकर लगभग 5,500 स्क्रीन्स दी गई थी इंडिया में अपने पहले दिन में। इसी के साथ ओवरसीज में लगभग 4,000 स्क्रीन्स दी गई थी पहले दिन में। तो टोटल 10,500 स्क्रीन्स पर मूवी को वर्ल्ड वाइड रिलीज करा गया था, जो कि बॉलीवुड हिस्ट्री में आज तक पहले कभी नहीं हुआ। यह रिकॉर्ड भी अपने नाम जवान करके ले गई है। दोस्तों बात करेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, कैसा क्या मंजर रहा कल के दिन, कितनी कमाई करी, क्योंकि प्रिडिक्शंस बहुत धांसू आ रहे थे पिछले 2-3 दिन से। हर एक यूट्यूबर जो एक प्रिडिक्शन लगा के बैठा था, कोई 150 करोड़, कोई 140 करोड़ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बताऊं तो, इंडिया से कोई 70 करोड़, 75 करोड़, कोई 80 करोड़, कोई 100 करोड़ भी कह रहा था। तो कल जो है रियलिटी ऑफ आंकड़ा ये है कि दोस्तों कल एडवांस से ही डे वन पर इंडिया से 40 करोड़ का पहले तो होल्ड किया इसने, 40 करोड़ बाय गॉड, पठान के रिकॉर्ड को भी यहाँ तोड़ दिया, और पूरी दुनिया से 59 करोड़ के एडवांस के आंकड़े को होल्ड किया अपने खाते में जवान ने। मॉर्निंग से ही सॉलिड ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिली, कई जगह 3 से 4 बजे से ही शो शुरू कर दिए गए थे, और उस टाइम पर सुबह के टाइम पर भीड़ देखने को मिल रही थी, ना किसी थिएटर में बल्कि बाहर लाइंस में भी भीड़ देखने को मिल रही थी। मतलब जो भीड़ अंदर जा रही थी उतनी ही भीड़ बाहर वेट कर रही थी अगली मूवी, अगला सोच अपने नाम करने के लिए। तो मॉर्निंग से ही 45% की ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिली, आफ्टरनून और इवनिंग में आते आते 55-60% की ऑक्यूपेंसी रेट हो गई थी, और नाइट में भाई साहब लगभग 65 से 70
परसेंट की ऑक्यूपेंसी रेट के साथ ये मूवी चल रही थी, हाउसफुल सोच के साथ। जी हाँ दोस्तों, खच्चा खच हाउसफुल सोच के साथ, टिकट नहीं मिल रहे थे लोगों को। तो हिंदी से पहले दिन में इस मूवी ने कलेक्शन किया है 65 करोड़ का, और तमिल और तेलुगु दोनों को मिला के इस मूवी ने 12 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो टोटल नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने पहले दिन में जवान ने 77 करोड़ क्रॉस कर लिया था। इसी के साथ पूरी दुनिया से जवान ने कल अपने पहले दिन में ही 140 करोड़ के आंकड़े को आसानी से टच करते नजर आई है अपने एंड ऑफ द डे तक। भाई साहब, बॉलीवुड इतिहास में शायद ही ऐसा कभी हुआ होगा। जवान का रिकॉर्ड लॉन्ग टाइम तक अनब्रेकेबल रहेगा, गारंटीड। हाँ, एक मूवी तोड़ सकती है ये रिकॉर्ड, टाइगर 3। टाइगर में वो दम है, अगर ये नहीं तो फिर कोई नहीं तोड़ पाएगा इस रिकॉर्ड को। SRK ही तोड़ेंगे, क्योंकि पठान के रिकॉर्ड को SRK ही तोड़ के गई, और जवान के रिकॉर्ड को भी SRK ही तोड़ेंगे, क्योंकि उनकी आने वाली एक और फिल्म है डंकी। बहुत सी जगह 3 बजे से 4 बजे से 5 बजे से शो शुरू चलाए गए थे, मॉर्निंग से ही चलाए गए थे। तो इतनी सुबह जो फैंस का प्यार देखने को मिला, सुपर अमेजिंग, बहुत पॉजिटिव रिव्यू मिले मूवी को। हाँ, कुछ एक जगह बॉयकॉट चल रहा था, #बॉयकॉट जवान, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस भीड़ में दब गया। जवान को जो फैंस प्यार दे रहे हैं उस भीड़ में दब गया। आज अगर बात करें सेकेंड डे की, तो सेकेंड डे में कैसी ग्रोथ है, तो आज भी मॉर्निंग से ही सॉलिड ऑक्यूपेंसी रेट के साथ मूवी को ओपन कर दिया गया है। 50-55% की ऑक्यूपेंसी रेट शो कर रही है, और इवनिंग टू नाइट में तो आज फिर 100% शोज हाउसफुल चल रहे हैं। बिल्कुल नाइट में तो कोई चांसेस ही नहीं है कि हाउसफुल शोज ना चले। पहले 5 दिन में, मैं कह रहा हूँ पहले 7 दिन तक लगातार हाउसफुल शो चलेंगे नाइट में। और फिर आज सेकेंड डे पर ग्रोथ में अगर बात करूँ तो 15% की तो गिरावट देखने को मिली है कल, क्योंकि कल ऐसा था कि कल जन्माष्टमी का हॉलीडे था, बट आज क्या है, फ्राइडे वर्किंग डे है, आज ग्रोथ में कमी देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, कल से सैटरडे है, फिर संडे है, तो कल और परसों फिर से बवाल मचेगा, और ज़बरदस्त बवाल मचेगा। संडे को तो जो मैं आंकड़ा बता नहीं सकता, हो सकता है 100 करोड़ क्रॉस कर जाए, हो सकता है मे बी 90 करोड़ तो जाएगा ही जाएगा, इंडिया से बात कर रहा हूँ, और वर्ल्ड वाइड कितना जाएगा, 150 करोड़ क्रॉस कर ही जाएगा संडे को। तो आज अगर बात करें, आज सेकंड डे में क्या है, कैसा रुझान है, तो आज एडवांस से 27 करोड़ का एडवांस अपने खाते में रखा है, इसके साथ ओपनिंग करी है, और मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी रेट शानदार देखने को मिल रही है, इवनिंग में भी अच्छी ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिल रही है, नाइट में हाउसफुल शो चल ही रहे हैं। तो आज एंड ऑफ द डे तक तमिल और तेलुगु को मिलाकर 6 करोड़ कलेक्शन करते नजर आ रही है, हिंदी से लगभग 55 करोड़ करते नजर आ रही है। तो टोटल अगर मैं ये आंकड़ा बताऊं, तो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर आज एंड ऑफ द डे तक 61 करोड़ के आसपास होल्ड करते नजर आ रही है मूवी। इसी के साथ पहले 2 दिन में नेट इंडियन कलेक्शन मूवी का आज एंड ऑफ द डे तक हो जाएगा 132 करोड़ के आसपास, और ग्रॉस कलेक्शन, ग्रॉस इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहले 2 दिन का जवान का हो जाएगा एंड ऑफ द डे तक 165 करोड़ के आसपास। बात करें ओवरसीज से, तो कमाई कैसी है, वर्ल्ड वाइड कैसा रुझान चल रहा है जवान का। जी हाँ दोस्तों, पहले 2 दिन का अगर एक साथ आंकड़ा बताऊं, तो 75 करोड़ के आंकड़े को टच करते नजर आ रही है आज एंड ऑफ द डे तक मूवी, सिर्फ ओवरसीज से। और टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आज एंड ऑफ द डे तक, सेकंड डे तक 240 करोड़ को टच करते नजर आ रही है। इट्स अ ह्यूज ह्यूज नंबर, मैं फिर कह रहा हूँ, पहले ही 2 दिन में जो जवान ने ग्रोथ करी है, भाई ऐसी कोई ग्रोथ करा ही नहीं है बॉलीवुड में किसी मूवी ने पूरी दुनिया में। और मूवी का बजट है 300 करोड़, तो कल हाफ डे तक या फिर कल ये मूवी अपना बजट पूरा रिकवर कर जाएगी, इजिली रिकवर कर जाएगी, क्योंकि मात्र 60 करोड़ रहते हैं, और कल सैटरडे है, तो कल का आंकड़ा मैं समझता हूँ कि 80 करोड़ तो जाएगा ही जाएगा। बाकी मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। अगर आप लोगों ने भी मूवी अभी तक देख लिया, तो पहले तो ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मूवी आपको कैसी लगी, स्टोरी लाइन में कितना दम है, शाहरुख खान के हर एक कैरेक्टर्स में से बेस्ट कैरेक्टर कौन सा लगा आपको, और विलेन क्या दमदार है, पूरा टक्कर दे रहा है SRK को। और दूसरी बात कि अटली कुमार का डायरेक्शन आप लोगों को कैसा लगा, कितना मजा आया मूवी में, ये सारा एक्सपीरियंस आप कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाना। और दूसरी बात, क्या मूवी 10 दिन में ही 1000 करोड़ क्रॉस कर पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स और जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रूवी और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए, और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।